नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के एक ऐसे इलाके के बारे में बात करने वाले हैं जहां कुछ साल पहले पानी नहीं था, किसान गरीब थे, खर्च इतना ज़्यादा बढ़ गया था फसल को उपजाने के लिए कि उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। लेकिन एक ऐसी क्रांति आई, एक ऐसी हवा चली कि इलाका आज हिंदुस्तान के किसी भी दूसरे इलाके से कदम मिलाकर चल रहा है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जो इस पूरी क्रांति के पीछे जिनका पूरा योगदान रहा है, जिनका क्रेडिट जिनके पास जाता है। मुकेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं इस इलाके में 3 दिन से घूम रहा हूँ, आपने तो पूरी फिजा ही बदल दी है। देखिए, अगर हम ये कहें कि इलाके की फिजा बदल गई है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान किसानों का रहा है। और एक जो इस इलाके की विशेषता रही है वो ये रही है कि यहाँ पे किसी नए विचार को स्वीकार करने की क्षमता शायद भारत के बहुत सारे दूसरे इलाकों से कई ज़्यादा है। अगर हम आज से 15-16 साल पहले की यहाँ की खेती की स्थिति की बात करें, यहाँ पे मुख्य तौर पर दो प्रकार की खेती होती थी। एक तो बिल्कुल जिसे बारानी यानी बरसात के ऊपर होने वाली खेती, और एक जो इरिगेशन के बेसिस पे जो खेती होती थी उसका प्रतिशत शायद 8-9% था। दोनों ही प्रकार की खेती में कुछ बहुत बड़ी समस्याएं थी। जो इरिगेटेड जिसको हम कहते हैं उसके अंदर तो इनपुट की लागत यानी जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में कहें या कुछ थोड़े बहुत पेस्टिसाइड्स का जो उपयोग होता था उसका उपयोग लगातार बढ़ते जा रहा था। इससे किसानों की उपज की लागत बढ़ती जा रही थी लेकिन उनको बाज़ार से मिलने वाले दाम में कोई प्रोपोर्शनेट उसका रिटर्न नहीं मिल रहा था। और जो बारानी खेती थी उसमें दो समस्याएं थीं। एक तो लगातार बरसात का कम होना, वैसे भी ये इलाका 500 मिलीमीटर बरसात से कम क्षेत्र में आता है, तो एवरेज करीब 450 मिलीमीटर रेनफॉल का एरिया है। उसमें बरसात कम होना और लेट्स से 10 वर्ष के अगर हम बरसात के साइकिल में देखें तो मुश्किल से दो बार ये ऐसा होता था कि 400 मिलीमीटर बरसात होती थी, और 10 साल में शायद 4 या 5 बार ही तो 250-300 मिलीमीटर ही बरसात होती रही है। यहाँ पे जो बारानी खेती करने वाले जो किसान थे उनको एक नई तकनीक पिछले वर्षों में इंट्रोड्यूस की गई कि जो उनके जो फसलें हैं उनको कम ड्यूरेशन की फसल के रूप में उगाया जाए। विशेष तौर पर बाजरे की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले यहाँ देसी वैरायटी जो खेती होती थी उसका प्रतिशत बहुत था, फिर धीरे धीरे उसको कम करते करते उसको 10-12% तो देसी रह गया और 70-80-90% जो तथाकथित हाइब्रिड है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसकी विशेषता ये कही गई कि वो 60-65 दिन मैक्सिमम 70 दिन में वो फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन जितनी शॉर्ट ड्यूरेशन होती जाती है उसके दो कंस्ट्रेंट्स वो क्रिएट करती है। एक तो ये कि एक बरसात से दूसरी बरसात के बीच में जो उसकी क्रिटिकलिटी है उसका पीरियड कम हो गया और क्रिटिकलिटी बढ़ गई उसकी। तो इस परिस्थिति के अंदर जब हम लोगों ने यहाँ किसानों से बात करनी शुरू करी और एज ए डेवलपमेंट फाउंडेशन हम ये जानना चाहते थे कि उनकी क्या समस्याएँ हैं और कैसे उनका समाधान किया जा सकता है, तो हमने दो प्रमुख उपाय अपनी तरफ से करने का प्रयास किया। एक तो हमने यहाँ पे जो भी पशु हैं उनका जो मलमूत्र गोबर के रूप में जो निकलता है, गोबर ही निकलता है और कुछ खेत का कचरा होता है, उसकी कैसे हम इतनी बढ़िया क्वालिटी की खाद बना पाएँ जो कि पानी की सोखने की क्षमता बढ़ा दे, दूसरा वो उसको न्यूट्रिएंट जितने चाहिए उतने प्रोवाइड करा दे। तो इसका दोनों को फ़ायदा होगा, बारानी में भी होगा और इरिगेशन में भी होगा। और एक जो हमने उसकी के साथ में वापस जो देसी वैरायटी थी जो कि 90 से लेके 110 दिन तक की वैरायटी है उसको रीइंट्रोड्यूस किया, परिणाम आज आप देख रहे हैं। तो शुरू में जब ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना शुरू किया तो किसान किस तरीके से इन लोग किसानों ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि आप एक ऐसा प्रपोजल दे रहे थे कि जिसमें उनके आँख के सामने कुछ दिनों के लिए
घाटा नज़र आ रहा था। फिर पता नहीं बहुत सारे किसान इसको क्या लेते हो, आप लोगों को किस तरह से लगा कि भाई कि यहाँ के किसान जो है आपकी बातों को मान पाए, क्या क्या वजह रही? देखिए, दो बातें इसके पक्ष में गई। पहली बात तो ये गई कि जितने भी किसान इस क्षेत्र में हैं या उस समय के जो किसान जिनसे हम बातचीत करते थे, उनके सभी के खेतों पे वो अपने खाने के लिए नॉन केमिकल स्वरूप में गोबर इस्तेमाल करते थे, डाल के देसी बीज देसी वैरायटी की खेती करते थे। इसका मतलब उनको ये तो समझ में आता था कि जो है देसी मामला जरा बेहतर है। और दूसरा ये रहा कि हमने जो तकनीक यहाँ इंट्रोड्यूस की, वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी हमने यहीं डेवलप की और यहीं इंट्रोड्यूस की, उससे इमीडिएटली उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो एकदम जीरो के बराबर, जीरो के बराबर। उनको कोई भी इनपुट यदि बाजार से न खरीदना पड़े तो उनको एक इमीडिएट गेन तो इसी समय हो ही जाता है। और तीसरे स्तर पे जब ये हमने देखा कि ये काफ़ी प्रचलन में आ गई है, तभी उसी समय संपूर्ण विश्व में 2005 लेट से 1995 से लेकर 2005 के बीच में संपूर्ण विश्व में फूड विदाउट केमिकल्स का एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में प्रचलन शुरू हुआ। कितने सिखावटी में कितने किसान आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन से कितने लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, शुरुआत तो यहाँ से हुई। सबसे पहले हम लोगों ने करीब यहाँ 10,000 किसानों को ट्रेन किया, और अगर मैं ये कहूँ कि उत्तरोत्तर जुड़ते गए उसके करीब संख्या मेरे हिसाब से 70,000 के करीब ऐसे किसान होंगे जो कि शेखावटी क्षेत्र मुख्य तौर पर हम ये कहें तो सीकर झुंझुनू और चूरू डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कुछ जयपुर का पोर्शन, कुछ दूसरे पोर्शन भी मान सकते हैं। लेकिन अब यदि मैं ये कहूँ कि आज 10-11 वर्ष के बाद में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कितने किसानों तक हमारे ये कार्यक्रम की पहुंच है, तो ये करीब 2.5-3 लाख किसान। ये तो एक अच्छी संख्या है। आगे क्या प्लान है कि और जिन राज्यों में आप नहीं जा सके हैं वहाँ पे आप कैसे संदेश को लेकर के जाएंगे? देखिए, इस कार्यक्रम का जो हमने विस्तार किया, जब राजस्थान के बाहर की जब बात हुई, जब राजस्थान में पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जब हमने देखा कि हमने बहुत बड़ी संख्या में किसानों को जोड़ लिया है, और जब हम इसको मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करने लगे किसानों की उपज को, तो उपभोक्ताओं का बहुत रुझान हमें मिला। लेकिन उपभोक्ताओं ने साथ ही एक समस्या और हमारे सामने रखी। उन्होंने ये कहा कि साहब, हमारी रसोई के यदि आप 20 आइटम ऑर्गेनिक देंगे और 50 नॉन ऑर्गेनिक रहेंगे तो आप हमारे साथ पूरा जस्टिस नहीं कर रहे। तो हमारी जो पहली प्राथमिकता विस्तार करने की रही वो ये रही कि क्या हम भारतीय सामान्य किचन जिसको हम कहते हैं उसके ग्रॉसरी के कितने प्रतिशत आइटम हम ऑर्गेनिक में उपलब्ध करा सकें। तो इसी का परिणाम स्वरूप हमको सिक्किम जाना पड़ा क्योंकि अदरक वहीं होती है सबसे अच्छी, गुजरात जाना पड़ा क्योंकि केसर मैंगो वहाँ होता है, महाराष्ट्र जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे सोयाबीन और उड़द की दाल और अरहर की दाल वहाँ अच्छी होती है। इस प्रकार हमारे कार्यक्रम का विस्तार होता गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे इस प्रकार के काम की मांग उन क्षेत्रों से भी आती है जिन क्षेत्रों को हमने अभी तक अपने प्रायोरिटी कहें तो उसमें नहीं। अगर मान लीजिए जो हमारे दर्शक हैं, मान लीजिए वो अपने खेतों को में ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप उनका क्या होगा? देखिए, अब ये लगातार इस प्रकार की मांग बढ़ती जाने की वजह से हमने इसी जो अगस्त के महीने में ही ये तय किया है कि हम अब एक अपना ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं और एक हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सर्विस का डिवीज़न अलग से बना दिया है। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सर्विस डिवीज़न की जिम्मेदारी ये रहेगी कि वो पूरे देश में कहीं से भी किसी भी प्रकार का किसान यदि हमसे संपर्क करे और वो ये चाहे कि वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना चाहता है और उसे टेक्नोलॉजी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम उसे ये ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सपोर्ट आपने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उनकी ट्रेनिंग चाहिए होगी। जिस तरह से आप यहाँ पे सिखावटी किसानों को ट्रेन कर रहे हैं, उनके पास आप नज़दीक में आकर के कैसे वर्मी कल्चर या उनको पेस्टिसाइड के जगह क्या इस्तेमाल करना है, या कोई समस्या हो गई तो आप लोग खुद भी जाकर के एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डे टू डे उसके पूरे एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं, तो इस तरह का क्या कोई और भी व्यवस्था दूसरे राज्यों में हो सकता है? या एक नया किसान अगर ये करना चाहे
तो उसको तो ये भी डर लग सकता है कि ये भी लग सकता है कि भाई इंटरनेट पे हम कहाँ जाएंगे, अगर कोई आदमी होता जो मुझे समझा देता, पास में होता, क्योंकि किसानों को वो बहुत एक दूसरे मोड में ऑपरेट करते हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला तो ये कि मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि किसानों से इंटरनेट पे जाना संभव नहीं है, इसलिए वो तो हम कहें कि उससे ये बात कोई बन जाएगी तो वो तो गलत है। ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि हमें जहाँ भी हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें वहाँ हमारा कोई ना कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए, चाहे वो हमारे अपने फील्ड वर्कर के रूप में हो या हम ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स आइडेंटिफाई करें जो कि हमारी बात सुनकर शायद हमसे प्रेरित होकर हम वहाँ ट्रेनिंग ना दे पाएँ, तो हम ये इस बात के लिए तैयार हैं कि वो यहाँ हमारे जहाँ जहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें से किसी भी जगह वो जा सकते हैं और उनको वहाँ पे फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग तो 1-to-1 ही होगी। जो ये हमने ऑनलाइन सर्विसेज की जो हमने जो है व्यवस्था स्थापित की है, ये टोल फ्री टेलीफोन नंबर के द्वारा है। अच्छा, इसके अंदर किसान अब तो सेलफोन का सेलफोन बढ़ गया है, तो हमारे अगर मैं ये कहूँ कि 3 लाख किसानों में से कितने किसान के पास सेलफोन है तो शायद 2-2.5 लाख के पास होंगे। तो किसान को अब हम टेलीफोन के ऊपर उसकी भाषा में उसके चाहे गए समय के ऊपर उसको सलाह देने की स्थिति में है, और इसके सपोर्ट के बैकअप में अब हम बहुत सारे राज्य के देश के करीब 19 राज्यों में तो हमने अब तक अपने कदम बढ़ाए हैं, कुछ ही राज्य बचे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने यहाँ देखा कि जो आप जो आपका जो कलेक्शन सेंटर्स हैं जहाँ सब्जियाँ आ जाती हैं, ये आ जाता है, एक सवाल मेरे मन में है कि आपके पूरे जरिए किस तरीके से, वो जरा मुझे चेन समझाइए कि किस तरीके से आप ये पूरा चीज़ों को उठाते हैं किसानों से, क्या मोड होता है उनके पेमेंट का, और उसके बाद फिर आप किस तरीके से जो है मार्केट में उसको आप लेकर के जाते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टोर्स भी नए नए खुल रहे हैं देश के अंदर। देखिए, इसकी जो शुरुआत से लेकर अंत तक जिसको हम वैल्यू चेन मैनेजमेंट बोलते हैं, अगर मैं उसको बहुत संक्षिप्त में अगर आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले किसान और हमारा संपर्क है, उसके बाद में एक दूसरे का भरोसा है। हमें ये भरोसा होना चाहिए कि किसान जेन्युइनली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने का इच्छुक है। तीसरी कड़ी होती है उसका सर्टिफिकेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। सर्टिफिकेशन की पहली ज़रूरत है कि उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाए, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सर्टिफिकेशन का सारा रिकॉर्ड रखने की जो जैसे मैं बता रहा था टेलीफोन के द्वारा अब हम लोग रिकॉर्ड रखने की सुविधा, और उसमें किसानों को क्या फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, वो आपकी जिम्मेदारी होती है, वो उसके लिए परेशान, किसानों को परेशान नहीं होना, कोई परेशान होने की। ओके, एक बारी जब किसान सर्टिफाई हो जाता है, जो कि अधिकतम 3 वर्ष लगते हैं, उसके बाद में हमें पता चल जाता है कि कौन किसान है, कहाँ उसका खेत है, क्या उसने फसलें बोई हैं, और वो पहले उन फसलों की जो उत्पादन करता था उसकी क्या क्वालिटी थी, उसी के अनुसार हम उसकी एडवांस में मार्केट लिंकेजेस की प्लानिंग कर लेते हैं। ओके, अगर किसी एक क्लस्टर के अंदर यदि हमें ऐसा लगे कि यहाँ पे, हाँ भाई, यहाँ तो एक ट्रक समझो कोई अनाज का मिल सकता है या दालों का मिल सकता है, तो हमारी अपनी प्रोक्योरमेंट टीम्स हैं जो कि उसी क्षेत्र में किसान के खेत से ही उसकी उपज खरीदती हैं। किसान की उपज खरीदने के अंदर उसको 3-4 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो उनको मंडी ले जाने का मशक्कत नहीं होती है, खर्चा भी नहीं लगता है, छोटे किसान के लिए बहुत बड़ा है। दूसरा, कोई आड़त नहीं लगती है, कोई कमीशन नहीं लगता है। तीसरा, मंडी में जो थोड़ी बहुत लूटपाट होती है उससे वो बच जाता है, कम तोलना, कोई खर्चे डालना, बहुत सारे उसकी क्वालिटी को ख़राब करके बताना वगैरह, उसका उसको बेनिफिट हो जाता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हम उसको पैकिंग मटेरियल हम दे देते हैं उसको, और उसको कैश पेमेंट करते हैं, किसान के खेत के ऊपर कैश पेमेंट कराया कर देते हैं। पहले तो ज़रूर हमको कैश ले जाने में बड़ी मुश्किलें होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पूरे देश में किसानों के जैसे अब खाते खुल गए, किसान क्रेडिट कार्ड्स का सुविधा अगर विस्तारित हुई है तो खाता भी खुल गया उनका, तो अब तो RTGS पेमेंट्स हो जाते हैं, तो वो हम किसानों को RTGS पेमेंट करते हैं। ओके, वो मटेरियल फिर हमारे सेंट्रल गोडाउन्स में आ जाता है जहाँ कोल्ड स्टोर है या जो भी सुविधाएं हैं वो हैं। फिर उसके बाद हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करके उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाई जाती हैं, प्लेन सिंपल प्रोडक्ट्स भी बनाई जाती हैं। उनको फिर हमने ब्रांडिंग किसानों की प्रोडक्ट की हुई है, एक डाउन टू अर्थ नाम से हम लोगों ने एक ब्रांड डेवलप किया है जो किसानों की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसको अब हम लोगों ने हाई एंड मार्केटिंग के चैनल्स डेवलप कर दिए हैं
उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट करना, रिटेल स्टोर तक जाना, और सबसे बड़ा जो हमारा एफर्ट अब इस समय लग रहा है वो लग रहा है कंज्यूमर को इस बात की अवेयरनेस क्रिएट करना कि भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में क्या अच्छाई है, क्यों उनको खाना है। लेकिन एक मिथ है, मिथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दर्शकों के लिए मिथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ गुप्ता जी से, तो वो मिथ के बारे में ज़रा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों ऑर्गेनिक फूड्स के दाम जो हैं महंगे होते हुए भी महंगे नहीं हैं। देखिए मैं इस संबंध में दो बातें आपको बताना चाहूँगा। यदि आप किसी भी शहर के ऐसी दुकान जो उस शहर में अच्छी क्वालिटी का माल बेचने के लिए जाना जाता है, अगर उसके दाम अगर आप लेंगे और यदि आप ऑर्गेनिक जो हम जिस प्राइस पे मार्केटिंग कर रहे हैं उसके दाम लेंगे, तो आप पाएंगे कि शायद हम सस्ते ही हैं, महंगे तो नहीं, महंगे नहीं है। अब ये बात अलग है कि कोई जो है ए ग्रेड के मटेरियल को सी ग्रेड के मटेरियल की प्राइस से कंपेयर करेगा तो उसे महंगा। तो ये कैसे मालूम चलेगा कि ये ए ग्रेड है या क्या, ये ग्रेडिंग होता क्या है? पहले तो हर शहर के अंदर और हर परिवार के अंदर हम हर एक प्रकार के भोजन के जो आइटम हैं उनकी हमें उनकी सोर्स के अनुसार और उनकी इंट्रिंसिक क्वालिटी की नॉलेज होती थी। आपको शायद याद होगा कि अगर घर में पापड़ बनाने हैं तो बोलेंगे अच्छा मूंग के पापड़ बनाने हैं, मूंग की दाल वहाँ की होनी चाहिए। सारे उत्तर भारत के अंदर यदि कोई कहे कि मेरे को अरहर की दाल का शौक़ है तो वो दुकानदार को जाके बोलता था मुझे कानपुर की अरहर की दाल दीजिए, गेहूँ किसी और क्षेत्र का है, चावल किसी और क्षेत्र का है। मसालों के प्रसिद्धि थी वो उनकी क्वालिटी के कारण थी। लेकिन हमने ये देखा कि 1970 के बाद में जिस प्रकार कृषि वैज्ञानिकों ने कमी के उसमें एक नई उसको इंट्रोड्यूस किया, वो मोस्टली हाइब्रिड्स के रूप में थी और उसको सिर्फ शक्ल सूरत से लिंक कर दिया गया। तो अब पिछले 15-20 सालों में तो रिटेल काउंटर पर जो आम उपभोक्ता है उसको तो जो है काउंटर के ऊपर सुंदर दिखने वाली चीज़ उसको लिए अच्छी है और जो सुंदर ना दिखे वो उसके हिसाब से खराब है। तो अब हम ये भी जागरूकता लोगों में पैदा कर रहे हैं कि यदि उन्हें बाजरे की रोटी खानी है तो हाइब्रिड बाजरे की रोटी खाने की जगह यदि वो देसी बाजरे की रोटी खाएंगे तो उनका जो बाजरे की रोटी खाने का उद्देश्य है वो पूरा होगा। क्योंकि उपभोक्ता किसी शहर में यदि मुझे ये चॉइस हो कि मुझे दो रेस्टोरेंट्स में जाना है, चॉइस है किसी में भी जा सकता हूँ, एक में परिवार के कुल खाने का शायद खर्चा 500 रुपये होगा और एक में शायद 600 रुपये होएगा, तो कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि वो 100 रुपये बचाने के लिए कम स्वाद मिलने वाले रेस्टोरेंट में जाएगा। वो जहाँ बेहतर स्वाद मिलता है उसी जगह जाता है। तो यही बात अब हम उपभोक्ता को बताते हैं कि आप जो है ऊपरी चमक दमक की जगह आप हर प्रोडक्ट की इंट्रिंसिक क्वालिटी देखिए कि आपको गेहूं का आटा यदि आपको काम में लेना है तो आपको गेहूं के आटे में क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए कि उसको मारना आसान होना चाहिए, उसकी रोटी बहुत सफ़ेद चावल जैसी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत पीली काली भी नहीं होनी चाहिए लेकिन ठीक अच्छी होनी चाहिए। अब यदि किसी परिवार में सभी लोग टिफ़िन ही लेके जाते हैं तो इसका मतलब वो रोटी जो बने वो जब दफ्तर में या स्कूल में बच्चा खोले तो उस समय वो मुलायम रहनी चाहिए, अगर वो चीठी हो जाए तो इसका मतलब आटा तो ठीक नहीं है। सही बात है। इसी प्रकार यदि वो घर में अगर अपने रोटी खा रहे हैं तो अगर तवे से उतरता हुआ फुल्का खाएं तो उस समय उसमें जो है एक करारापन होना चाहिए, महसूस करते हैं लोग, जो इच्छा करते हैं वो होना चाहिए। तो गेहूं की ये क्वालिटी होनी चाहिए। अब कोई कहे कि नहीं साहब मैं तो जो है गेहूं सफ़ेद होना चाहिए, हमारा आटा जो है बड़ी कंपनी बनाती है या हमारा आटा सस्ता है इसलिए आप खाइए, तो ये गलत हो गया। तो ये बहुत सारी भ्रांतियाँ पिछले 10-15 वर्षों में मार्केट प्लेस के अंदर कंज्यूमर तक क्रिएट की गई हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उपभोक्ता को हर प्रोडक्ट का उसको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, उसको हम क्यों खाते रहे हैं, उसको खाने के अंदर हमको किस स्वाद की तलाश करनी चाहिए ये सिखा रहे हैं। हालांकि काम बहुत मुश्किल है लेकिन जितना प्रयास कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा सफलता मिल रही है। अब आगे सिखावटी में क्या प्लान है, कितने और लोगों को जोड़ना है, या फिर आपका जो दूसरा मॉडल है कि जो रसोई के जो सामान हैं
उसमें जो है बढ़ोतरी करना है। देखिए, रसोई के सामान आज की तारीख में हम लोग पूरे देश में जितनी करीब 270 विभिन्न प्रकार की कृषि उपज को हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के सिस्टम में लिया है। इनसे उनकी प्राइमरी प्रोड्यूस या उनसे उनकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाई जा सकने वाली प्रोडक्ट्स की संख्या ऑलरेडी 1000 हो गई है। यानी करीब करीब 95-98% किसी भी रसोई का राशन हम देने की स्थिति में है। लेकिन अब हम जैसे जैसे इसका विस्तार करते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रकार की प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारी प्लानिंग से कई गुना ज़्यादा है। तो अब पहला तो हमारा प्रयास ये है कि हम उन फसलों का उन क्षेत्रों में बढ़ावा दें जिनकी की मांग बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए शेखावाटी का गेहूँ, हमने 7 साल पहले शेखावाटी का गेहूँ करके ही मार्केट में लॉन्च किया था, और हमने जानबूझ के शेखावाटी के गेहूँ की कीमत थोड़ी सी एमपी के गेहूँ से ज़्यादा रखी। बड़ी परेशानी हुई, ग्राहक बोलता था ये शेखावाटी के गेहूँ के अंदर है, ये तो हमने पहले नाम ही नहीं सुना, ये कौन सा गेहूँ है, इसकी क्या खासियत है। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी बनी हुई रोटी, उसकी बनी हुई बाटी, पूड़ी, पराठे जब लोगों ने खाने शुरू किए, तो आज स्थिति ये है कि यदि मैं एमपी का तथाकथित शरबती गेहूँ पीस के यदि हम अपना चक्की आटा बेचें तो हमें 100 शिकायत आ जाएगी एक दिन में। इस बार का माल खराब था। और शेखावाटी के गेहूँ का पिसा हुआ आटा बेचें तो ग्राहक बोलता आपका आटा बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेखावाटी के इस गेहूँ को हमने एक नई पहचान दी है और इसकी बहुत मांग बढ़ती जा रही है। तो शेखावाटी क्षेत्र में गेहूँ के उत्पादन के लिए हमारी योजना है कि करीब 10,000 टन का यहाँ गेहूँ का उत्पादन होना चाहिए। आप एग्रीकल्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारे दर्शकों के लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो खास करके जो बहुत ही वेजिटेरियन फूड्स खाते हैं, उनको लगता है कि वो हरी सब्जी खा लो, वो हरी सब्जी जो है वो सेहतमंद है, लौकी पी लो, करेले खा लो। लेकिन कुछ जो बातें हम लोग पत्रकार होने के नाते जो समझते हैं, जानते हैं कि जो बाज़ार में मिलने वाली हरी सब्जियां उतनी हरी नहीं हैं जितनी वो दिखती हैं, जहर उसके अंदर डाला जा रहा है। ये हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से, कितना प्रतिशत, तो क्या ये मार्केट है क्या पूरे सब्जियों का? देखिए, फूड में एडल्ट्रेशन की यदि हम अपने भारतीय संदर्भ में यदि बात करें, अब चूंकि हम फूड बिजनेस की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सब कुछ समझते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में क्या होता है। हमारे यहाँ पहले मिलावट के तौर पर बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, हमारे यहाँ फूड में मिलावट करने के हर रोज़ नए तरीके विकसित हो रहे हैं। हम लोग तो गांव में बस एक ही चीज़ मिलावट जानते थे कि दूध में जो है पानी मिला दिया जाए बस। अब नई टेक्नोलॉजी है, सिंथेटिक मिल्क बना के पिला दिया जाता है। इसी तरह घी के अंदर पहले मिलावट क्या होती थी, तेल की होती थी, अब तो पता नहीं पूरा सिंथेटिक घी बना दिया जाता है। आटे में मिलावट पता नहीं किस किस चीज़ की होती है। इसी प्रकार जितनी प्रोसेस प्रोडक्ट है उसमें मिलावट करने के नए बहुत सारे तरीके ईजाद हो गए, और जिनको ऐसे लोकल ट्रेड प्लेयर्स ने अडॉप्ट कर लिया, जिनका ये मानना है कि उपभोक्ता हमेशा हर चीज़ सस्ती चाहता है, चाहे उसको कुछ भी दे दो। उदाहरण के लिए हम कहते हैं, अब जैसे मैं एक पापड़ का उदाहरण देना चाहूँगा, हम शुद्ध मूंग की दाल का शुद्ध मसाले के साथ में अच्छी क्वालिटी का पापड़ बनवाते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ महिलाओं के बाल, उनकी नाखून का कचरा और उनके बच्चों की नकसीर पापड़ में ना जा सके। हमारी तो लागत 180-190 रुपए किलो आती है वहाँ पे। अच्छा, हम बाजार में देखते हैं तो 100 रुपए किलो में तो पापड़ बिक्री के लिए आ गया। अब मैं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है अब इसमें कि वो क्या करते होंगे। तो इस प्रकार की मिलावट का एक दौर बढ़ते बढ़ते आज उस स्थिति में आ गया है जिसमें कि आपने कुछ सब्जियों का नाम लिया, करेला, तोरई, टिंडा, लौकी वगैरह, जिसमें कि अब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के उनको एक रात में बड़ा कर दिया जाता है। अब आप तो पी रहे हैं लौकी का जूस सेहत के लिए, आपके अगर शरीर में ऑक्सीटोसिन जा रहा है तो वो पता नहीं क्या क्या बीमारियां करेगा, रेनियल फेल्योर है, किडनी फेल्योर है, उससे शर्तियाँ होने वाले हैं। उससे
पेट की बीमारियां जितनी हम आज बात कर रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स की हम जितनी बात कर रहे हैं, उनके पीछे जरूर हमारे फूड का एडल्ट्रेशन एक कारण है। कारण है। एक और भी बात है हमारे यहाँ जो कि मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जिस प्रकार से फूड में एडल्ट्रेशन रोकने की या रोकथाम के लिए जो प्रशासनिक या कानूनी तंत्र जो बनाया गया वो जरा बहुत लचर सा था, उसमें कोई बहुत क्लैरिटी नहीं थी, तो थोड़ी एडल्ट्रेशन बढ़ने के प्रति जो है इतना वो हुआ नहीं। और मैं तो मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 5-10 सालों में यदि कोई कंज्यूमर्स में जागरूकता आई है एडल्ट्रेशन के प्रति तो प्योरली मीडिया के द्वारा आई है, सरकार ने तो कोई प्रयास किया नहीं। अब जाके 6 अगस्त को एक नया फूड सेफ्टी एक्ट बनाए, इस एक्ट से हमें बहुत उम्मीदें हैं। इस एक्ट के तहत जो सिस्टम और कानून बनाए वो तो अभी तक क्या होता था कि किसी मिलावट वाली चीज के रिटेल काउंटर पे पकड़े जाने पर कंपनी को पकड़ा जाता था, ठीक। अब नए कानून के तहत कहता है कि रिटेलर भी जिम्मेदार है, पकड़ा जाए, डिस्ट्रीब्यूटर भी जिम्मेदार है और कंपनी भी जिम्मेदार है, तो शायद रिटेलर्स अब ये सोच के कोई चीज बना के बेचेंगे कि कहीं मैं मिलावट का सामान तो नहीं बेच रहा। इससे अब जरूर हमें उम्मीद है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यदि इसकी जागरूकता क्रिएट कर दी जाए नए फूड सेफ्टी एक्ट की, और इसको यदि स्ट्रांगली 5-6 साल के लिए भी अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो हमारे यहाँ फूड एडल्ट्रेशन बड़े पैमाने पर। ये तो जागरूकता की बात है, मैं तो आपकी बातें सुनकर भी डर लग रहा है मुझे, मेरे दिमाग के अंदर वो जो है करेले और लौकी के जो है इंजेक्शन वाले सब्जियां जो है हमारे दिमाग में घूम रही है। लेकिन ये बात तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन एक तरफ तो जो बाज़ार है जहाँ ये इंजेक्शन वाले सामान मिल रहे हैं, आटा ख़राब मिल रहा है, मसाले ख़राब मिल रहे हैं और वो सस्ते हैं, दूसरी तरफ आप लोग हैं जो बाज़ार के दूसरी छोर पर खड़े हैं, जो सब कुछ शुद्ध तो देते हैं लेकिन थोड़े महंगे हैं, ये दूरी कब खत्म होगी? यदि हम ये कहें सामान्य क्वालिटी के मटेरियल के सामान्य तौर पर प्रचलित दाम और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और सर्टिफिकेशन के पैकिंग के साथ में अवेलेबल सामान के बीच में ओवरऑल प्राइस डिफरेंस 10-20% का रह गया है। इसमें भी जो मुख्य जो कारण रह गया है वो ये रह गया है कि एक तो अभी भी ऑर्गेनिक का स्केल नहीं है। यदि मैं ऐसी आटा मिल लगा लूँ जिसमें कि 1,000 टन आटा प्रतिदिन की पिसाई होती हो तो मेरी आटे की पिसाई 20-30 पैसे प्रति किलो की लागत से हो जाती है। ठीक उसी की जगह यदि मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करता हूँ तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर मैं तो 1 टन का ही प्रोडक्शन करता हूँ तो उसकी पिसाई की लागत 1.5 रुपये हो जाती है। 1.5 रुपये हो जाए तो एक तो ये कारण है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेंगे वैसे वैसे कीमतें वाजिब होती जाएंगी। दूसरा एक कारण रिटेलर्स का भी है, आज की तारीख में भी बड़ी संख्या में रिटेलर्स का ये मानना है कि ऑर्गेनिक एक जरा फैंसी प्रोडक्ट है और वो ये सोचते हैं कि कंज्यूमर को वो उस फैंसी प्रोडक्ट को फैंसी दाम पे बेच सकते हैं। तो फार्मर और प्रोड्यूसर के यहाँ से आने वाली चीज़ बहुत महंगी नहीं है लेकिन रिटेल लेवल के ऊपर उस चीज़ का दाम 10-20% अधिक बढ़ा दिया जाता है। यदि कल से अधिक संख्या में उपभोक्ता रिटेलर्स के पास जाके ये कहें कि हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए तो शायद वो लोग कम प्रतिशत के मार्जिन के ऊपर इस प्रोडक्ट को बेचना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी दामों की पैरिटी आने की संभावना है। तो ये थे मुकेश गुप्ता जी जिन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक फूड और जो बाज़ार में उपलब्ध चीज़ें हैं उसमें क्या अंतर है। तो हमारी तरफ से तो यही कह सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने शरीर को बचाने के लिए हम लोगों को भी ऑर्गेनिक फूड की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।